में भी 50 परसेंट से ज्यादा बढ़ाकर करें जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके कुछ बूथ को हमारे विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वॉन्ट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसिटी एंड ऑल्सो दूथ तो तीन बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे यूथ मींस जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अपॉइंट वो लगाएंगे दो सौ निन्यानवे बूथ पी डब्ल्यू डी मैनेज होंगे और तीन सौ अठासी बूथ्स ओनली वूमेन एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्स विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ विल अराउंडो बी वुमेन सो इट्स एन हंड्रेड परसेंट वुमेन मैनेज बूथ सो दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो टूल ऑफ एम्पावरमेंट विच वी वॉन्ट टू यूज मैनी पॉलिटिकल पार्टीज मैंशन दैट एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज बूथ्स पे होनी चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ एक वॉल्टियर हम रखेंगे जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या पीडब्ल्यू डी वहाँ आते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, रखें, रखें एक वॉल्टियर की व्यवस्था रखें एक हेल्प डेस्क बनाएंगे हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैम्प होगा प्रॉपर ग्रेडियंट जो कि हमारे पर्सन विटी को कोई को असुविधा ना हो फिर हम एक टॉयलेट की सुविधा होगी ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा साइनेजेस होंगे इलेक्ट्रिसिटी होगी फैसिलिटेशन सेंटर होगा हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहां जहां लंबी लाइन है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज्यादा बूथ्स भी हैं कहीं कहीं दस बारह बूथ्स भी हैं बड़े नंबर में लोग आते हैं तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इन, इसको इधर जाना है इनको इधर जाना है इनको इधर जाना है उसके बाद में जो लाइंस लगेंगी लंबी उनमें बीच बीच में लाइन के बेंचेस और कुर्सी भी डालें ताकि लोग बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो बीच बीच में उनको हर जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है हर दो चार दस मिनट के बाद में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए ये भी हमने कहा है इस बार जो जरूर किया जाएगा सीनियर सिटीजन्स एंड पीडब्ल्यू पर कमीशन का विशेष जोर है विशेष आग्रह है हमने अपने टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा होगा पहली बार हमने घर जाके पैन इंडिया बेसिस पे सभी वृद्धों से जो एट्टी फाइव से प्लस हैं उनका वोट लिया मतलब ये हमारे लिए भी बहुत ही आ, अच्छी अनुभव थी पूरे देश से आई लोगों ने इसको घर घर में काफ़ी सराहा बुजुर्ग लोगों ने काफ़ी कहा कि कमीशन ने घर आके वोट लिया हमें काफ़ी हमें खुद को बहुत तसली मिली इसमें ताकि कोई वोट डालने में गड़बड़ी ना हो कोई घर के अंदर में तो हम अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पहले अनाउंस करते हैं हम इस दिन जाएंगे वोट लेने नॉमिनेशन के पाँच दिन के अंदर हम उनको फॉर्म टॉल डी घर में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ताकि जो वोट देने जाना घर से देना चाहें वो घर से अपना फॉर्म भर दें हमारा तजुर्बा यह है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग बाहर आना चाहते हैं वोटिंग स्टेशन पर आना चाहते हैं बिकॉज दे फील